नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज मिर्जापुर के ग्राउंड में दंगा निरोधक उपकरणों का प्रयोग कर दंगा बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। ड्रिल के दौरान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आइए सुनते हैं कि इसके बारे में जनपद मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा के सामान्य चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं और इसी दृष्टिगत हम लोग अपनी तैयारियों को परखने के लिए आज एक एंटी राइड ड्रिल यहाँ जीएससी ग्राउंड पे हम लोग द्वारा कराया गया, जिसमें पूरी की पूरी कवायद जो होती है, अगर कोई इस तरह का विधि विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा हो तो उसके विरुद्ध कैसे करना चाहिए, सिस्टमेटिक रूप से इसका रिहर्सल किया गया और आर्म्स एम्यूनिशंस के बारे में उसको भी चेक कराया गया, उसको निकलवा के साफ़ सफाई कराई गई, लोगों को उसको चलाने की प्रैक्टिस कराई गई। तो उस तरीके से हम लोग अपनी जो है वो तैयारी उसको पुख्ता कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली किसी भी आकस्मिक सिचुएशन का हम लोग सामना कर सकें। महोदय, कुछ अधिकारियों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मजिस्ट्रेट महोदय के मौखिक आदेश पर पुलिस बल की तमाम कार्रवाई की गई। मौखिक रिपोर्ट श्रीमान जी के सेवा में प्रस्तुत है। देखिए, जो भीड़ है, बड़े बड़े पत्थर चला सकते हैं, हो सकता है कि उधर से भी कोई फायरिंग हो जाए आपके ऊपर। तो जब भी हम किसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में जाते हैं, तो इस तरह का बड़ा कोई कार्यक्रम होता है या कोई धरना प्रदर्शन हो रहा होता है, तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आज इस ड्रिल कराने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से उस चीज़ को करना है।